स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाता है, ठीक है, उसको खून की सप्लाई करने वाला खून के रगायों का कंट्रोल करने के लिए ब्रेन का एंजाइम चाहिए। अगर खाने में वो इसका कमी होता है, हमेशा एक ही तरह का कहते हैं ना, या कुछ केमिकल होता है उससे, तो उससे ये प्रॉब्लम आता है, तो इसमें कुछ है। इसलिए मैं अग्री किया, आई विल हेल्प द कंपनी टू ओपन। देन हम और डॉक्टर रंजन ने एक ल्यूकेमिया पेशेंट, ब्लड कैंसर पेशेंट को दिया, जिसको डॉक्टर लोगों ने बताया बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है, डेली ब्लड देना पड़ता था, सभी जगह से खून आता था वो औरत को, ये बचने वाली नहीं है। अगर वो ऑपरेशन नहीं कराया 25 लाख से वेलूर मेडिकल कॉलेज में, सिर्फ 5 दिन ही जिंदा रहेगी। तब कंपनी ओपन नहीं हुआ था, हमारे पास थोड़ा सैंपल था 8 महीने के पहले, तो वो डॉक्टर इनका डाउनलाइन है, वो उसके लैब टेक्नीशियन का सिस्टर है, वो आए रात 12 बजे 2 बजे को मेरे घर को, आपने एक दिन आकर बताइए ना ये कैंसर को जापान चाइना में इस्तेमाल करते हैं तो उसको दीजिए। तो मेरे एक ही डब्बा था RTGL 30, ठीक है, तो उसको दे दिया हमने। हिसाब रखा, वो 3 डॉक्टर लिख के दिया है 5 दिन के बाद में ये जिंदा नहीं रह सकती है, प्लेटलेट काउंट वाज 20,000 इंस्टेड ऑफ 1.5 लाख, ठीक है। तो हम हर दिन चेक का वो 5 दिन हो जाएगा, उसके बाद में जिंदा है तो हम मलेशिया से लेकर देंगे। लेकिन 5 दिन के बाद में क्या हुआ, वाइट ब्लड सेल्स WBC जो 600 था वो 3,000 से ज़्यादा हो गया, और वो वॉकिंग करके हमारे डायरेक्शन ऑफिस को आई, मुझे मेरा ऑफलाइन वो था MD देखने को। तो हमने फैक्स किया डॉक्टर लिम ने, बड़ा कार्टन फुल बैठी है, और उसी औरत 5 बरस जिंदा थी, नो कैंसर, सिर्फ 30 RTGL, नो ब्लड ट्रांस, नो बोन मैरो ऑपरेशन। फिर DXN का प्रोडक्ट किसी को हमेशा जिंदा रखता है ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ये केस में क्या होता है, उनका ललाट में ला क्या लिखा है डेस्टिनी, मैंने 5 बरस के बाद में अच्छी थी, क्या हुआ, हर एक मिनट में अगर बोलती थी क्या हुआ, उसको खून की कमी था, प्लेटलेट इंटरनल ब्लीडिंग हीमोग्लोबिन स्फुल्लित नहीं था उस समय में, तो 1 महीने 2-3 महीने में एक बार खून चढ़ाते थे अस्पताल में, वैसे एक बार चढ़ाने के समय में वो टेक्नीशियन ने गलती से ए ग्रुप को बी ग्रुप चढ़ाया, तो वे लॉस्ट द पेशेंट, 100 ml अंदर गए तो पेशेंट मर जाते हैं। तो वो अभी आज के दिन में कम से कम 5,000 से ज़्यादा मानोसाइटिक ल्यूकेमिया या कोई ब्लड कैंसर के पेशेंट को अच्छा रिजल्ट मिला है। अभी भी 15 बरस 18 बरस से जो लेते हैं उसको कैंसर नहीं है, लेकिन वो ट्रांजिशन बोलते हैं हम, रेमिशन, वो गायब हो गया, इट कैन कम अगेन बट इफ द कंटिन्यू दिस इट विल नॉट कम, ठीक है। इसलिए चाइना और जापान में कैंसर अस्पताल में इसको एक रूल्स बनाया है, जो भी ट्रीटमेंट हो इसको साथ में दो, डॉक्टर को ऑर्डर है जीवो, अगर वो नहीं देता है कैंसर पेशेंट को और एक जीवो है डॉक्टर को घर भेजेंगे बिना पेंशन के, इतना स्ट्रिक्ट है, क्योंकि ये इतना अच्छा काम करता है वो केस में, वो हम गारंटी थोड़ा दे सकते हैं, अगर वो 30 दिन लिए, ब्रेस्ट कैंसर को 40 लेना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा आपको थोड़ा ये कंज्यूमर टेस्टिमोनियल एक दो हम दिखाएंगे, आप किसी को भी अगर वो इंसिस्ट करें हमको एविडेंस चाहिए, हम भी थोड़ा क्या खाया उन्होंने ऐसा, उसका तसल्ली के लिए दिखा सकते हैं कंज्यूमर टेस्टिमोनियल, साउथ अफ्रीका से है, सिंगापुर से, इंडिया में हजारों कर सकते हैं, बहुत लोग ज़्यादा नहीं किया है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। तो हमारा प्रोडक्ट्स से आज हमको 3 लाभ है। आज के मॉडर्न डे में मेन हेल्थ प्रॉब्लम है फूड, न्यूट्रिशन में सभी मिलावट है, सभी आर्टिफिशियल है, कोई भी आप जूस या ड्रिंक्स वो चाहे पेप्सी कोला किसी भी ब्रांड हो, टेंडर कोकोनट नारियल का पानी के अलावा, ठीक है, उसमें भी फर्टिलाइजर होगा, ठीक है, जो स्प्रे करते हैं, जो फर्टिलाइजर जमीन को डालते हैं वो भी अंदर जा सकते हैं। तो ये सभी जूस अगर एक आदमी दिन को 2 बोतल पेप्सी कोला 5 बरस पिए तो उसको ब्लड प्रेशर आता है, किडनी डैमेज होता है, डायबिटीज आता है, ये तो प्रूवन, ठीक है। सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे रोग भी आने का चांसेस होता है वो हुआ जूस का, और खाने में सब्जी फल उसमें बोलना ही नहीं है, ठीक है,
और दूध में गाय का हो या इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन उसे एकदम कैंसर आता है। 10 बरस के गर्ल को बेबी गर्ल गर्ल को 10 बरस के गर्ल को ब्रेस्ट कैंसर। हार्मोन थ्रू डेयरी मिल्क, डेयरी में बहुत सारे तरह के मिल्क मिलावट होता है, बहुत सारे तरह के गाय का सभी लोग फार्मर्स लगाते हैं ना, इसलिए ये सब हार्मोन्स और केमिकल्स इससे बहुत ज़्यादा कैंसर का चांसेस है, वही है वो एक है और रोग का भी। दूसरा है एंटीबायोटिक्स, जो रोग को हम कंट्रोल करते हैं, निवारण करते हैं, रोग के कीटाणुओं को मारकर रोग को क्यूर करते हैं,